जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल और आज हम उपस्थित है उत्तर प्रदेश के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त इस एक्सप्रेसवे पर हम उपस्थित है। आप सभी दर्शक देख सकते हैं कि किस प्रकार इस एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है और यहाँ पर काली सड़क का भी निर्माण कर दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं और इस वक्त मैं जो उपस्थित हूं, मैं उपस्थित हूं मेरठ जिले के ग्राम अतराड़ा और ग्राम अजराड़ा और अटोला और बधोली के बीच के अंतर जो काली नदी है, यहां पर जो एक्सप्रेसवे गुजर रहा है वहां पर इस वक्त मैं प्रेजेंट में खड़ा हुआ वीडियो बना रहा हूं और सभी किसान भाइयों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही जल्द इस एक्सप्रेसवे के निकट जो उद्योग कॉरिडोर जो बसाया जाना था उसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मोहर लगा दी है और बहुत ही जल्द यहां पर उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा। दोस्तों, अभी आपके मन में सवाल होगा कि उद्योग जो कॉरिडोर बसाया जाएगा कहां कहां प्रस्तावित है और कहां कहां बनाया जाएगा। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं इस वक्त मेरठ जिले में उपस्थित हूं, तो फिलहाल मैं आपको जो मेरठ जिले वाले हैं उनको फुल डिटेल के साथ जानकारी देने जा रहा हूं कहां कहां तक उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा और जो इसके अंतर्गत, इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 12 जिले आ रहे हैं उनको भी मैं शॉर्ट में कुछ ना कुछ जानकारी इसी अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों, एक न्यूज के अकॉर्डिंग जो कैबिनेट से निकली है, मैं आपको बता दूं कि जो NH 334 बिजोली स्टार्टिंग पॉइंट है गंगा एक्सप्रेसवे का, वहां से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। वहां पर उसके आसपास वहां पर उद्योग कॉरिडोर वहां पर बनाया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जहां खड़ा हुआ हूं मेरे पीछे अगर आप देखोगे, क्योंकि सामने जो यहां पर जो अडानी कंपनी का जो प्लांट है वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और मेरे और पीछे बैक उड़े को आएंगे जहां पर ये मशीनें अगर आपको दिख रही होगी तो इसके निकट बिल्कुल यहां पर काली नदी यहां पर इससे गुजर रही है और इसके ऊपर को फ्लाईओवर बनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस गंगा एक्सप्रेसवे जो कि बिजोली से स्टार्ट हो रहा है और काली नदी तक यहां पर उद्योग कॉरिडोर फैलाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं गांव कौन कौन से शामिल इसके अंतर्गत किए गए हैं, बिजोली है और आपका गोविंदपुरी है, बधोली है, खड़खड़ी है, अतराड़ा और अजराड़ा भी इसके अंदर शामिल किया गया है। अगर मैं आपको बात करूं एरिया की, तो एरिया अगर आप देख सकते हैं वहां तक तो यहां पर काली नदी इसके साथ जा रही है, तो ये भी एक उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा। अगर हम इस साइड में अगर चलते हैं तो आगे बधोली गांव उपस्थित है। बधोली गांव के निकट से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है और यहां उसके पास टोल टैक्स भी बनाया जाएगा। उसके साथ साथ लॉजिस्टिक पार्क और अन्य उद्योग भी लगाए जाएंगे। उसके बाद गोविंदपुरी आता है, उसके बाद आपका बधोली आता है। अगर जिस स्थान पे हम खड़े हुए हैं, अगर हम इस साइड में देखते हैं तो हाँ, इस साइड में ग्राम अतराड़ा उपस्थित है। और मैं आपको बता दूं, जो इस क्षेत्र की इस गंगा एक्सप्रेसवे के 500 मीटर के अंतर्गत कॉरिडोर यहां पर बसाया जाएगा, क्योंकि काली नदी जो यहां पर पड़ रही है, क्योंकि काली नदी का जो बेनिफिट यहां मिल रहा है, यहां पर केमिकल फैक्ट्री और यहां पर स्पोर्ट स्टेडियम और स्पोर्ट जो उद्योग है, कॉरिडोर है, अन्य कॉरिडोर यहां पर उद्योग यहां पर लगाया जाएगा। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो जमीन है खाली पड़ी हुई, जहां इस टाइम इसमें फसल बोई हुई है, आप देख सकते हैं ये सारा अतराड़े का चक है, ये सारा का सारी जमीन है। इधर हम बात करते हैं तो यहां पर अतराड़े की भी जमीन है और यहां पर अजराड़े की भी जमीन है। अगर काली नदी तक अगर बात करते हैं तो इसको सारे को जो उद्योग है वो कॉरिडोर में इसको स्थापित कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर हम इस साइड में चलते आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर बधोली गांव पड़ेगा, फिर उसके बाद गोविंदपुरी है, बिजोली है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कॉरिडोर बसाया
जाएगा। उसी के साथ साथ जैसे मेरठ से प्रयाग, मेरठ से स्टार्ट हो रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, उसके बाद प्रयागराज है, तो प्रयागराज के जो एंड पॉइंट है, वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ भी कॉरिडोर, वहाँ पर उद्योग कॉरिडोर वहाँ पर भी बसाया जाएगा। मैं आपको बता दूँ इस एक्सप्रेसवे में 12 जिले हैं और 12 जिले के अंतर्गत जैसे शाहजहानपुर है, हरदोई है, उन्नाई है, हापुड़ है, बुलंदशहर है या अन्य जिले हैं, इनमें भी कॉरिडोर बसाया जाएगा जो कि इंडस्ट्री कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा। और इसके लिए जो कार्रवाई है मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों ने तेज कर दी है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।